चुप करो ना यार। मम्मी चुप करो ना यार, जब से संजू आए आप दोनों ही बोले जा रहे, उन्हें तो कुछ बोलने दो, कभी तो अपनी जुबान पे ताला लगा लिया करो। ताला तो नवाब साहब लगाते थे, चाबी भी छुपा देते थे। हो गया आपका? संजू क्या हुआ? सपना पढ़ जाओ ना संदीप, जैसे संजू क्या हुआ, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी ने तुम्हें चाकू दिखा के लूट लिया? कुछ तो बोलो बेबी, क्या हुआ? हाँ लूट लिया है, धोखा दिया है, मेरी भावनाओं से कंचे खेल के मेरा दिल दुख दिया, मेरे दिल को चोट पहुंचाई। तुम जानना चाहती हो कि किसने किया है? तो सुनो, तुम जानना चाहती हो किसने किया, जानना चाहती हो? मैडम ने किया है। मैडम औरत नहीं है, वो एक आदमी है, आदमी। जी फोन लगा, जल्दी से फोन लगा। कहां? कहां? अरे पागल खाने जीजी, और कहां? तू लेमन चूस ले, ये बोल लो लेमन चूस ले। हाँ बोलो, आज बोल ही दो। तू लेमन चूस ले, मैं पागल नहीं हूँ, मैं जो कह रहा हूँ एकदम सच कह रहा हूँ, मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खा सकता हूँ। मेरी कश्मीर आप पूछिए रे इससे कि ऐसी कितनी गीता रही। इतना लेमन चूसे ना बे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस सीसीटीवी कैमरे में मैडम को देख रहा था। और एक चोर, और ये चोर की दाढ़ी में तिनके, पूछे ने मेरे दामाद से कि ये मैडम को ही क्यों देख रहा था। मैं नहीं, सिर्फ मैडम को नहीं, मैं ऑफिस के पूरे स्टाफ को देख रहा था, लेकिन अचानक से मैंने देखा कि कोई अपने केबिन में बैठ के शेव कर रहा है। मुझे लगा ये होगा मंदबुद्धि मुकेश तुम्हारा भाई, ये करता है ऐसी पगलेटा वाली हरकतें बैठ के ऑफिस में। तो मैंने जूम किया, उसके बाद तो मेरे होश उड़ गए। कश्मीरा मैडम थी यार। संजू ये भी तो हो सकता है कि संजय ना फेस क्रीम लगा रही हो। तुम करती हो क्या कभी ऐसे ट्राई है? रेजर के साथ कोई लगाता है क्या फेस क्रीम? बेबी मैंने उन पे प्रॉपर नजर रखी यार, कि मुझे पक्का यकीन हुआ कि ये भाई मर्द है, मैं तो फौरन रिजाइन कर दिया। अच्छा मैडम औरत नहीं तो तुमने रिजाइन कर दिया, और मर्द होती तो नहीं है ना? मैं होती तो नहीं। औरत होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना? अच्छा औरत नहीं है तो तुमने रिजाइन कर दिया, औरत होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं। औरत अच्छा मैडम औरत नहीं है तो तुमने रिजाइन कर दिया, और अगर औरत होती तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती? प्रॉब्लम औरत या मर्द होने से नहीं है यार बेबी, प्रॉब्लम धोखा देने से है यार। वो आज